एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट रखने वालों के लिए बड़ी खबर। अगर आपके पास भी 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट पड़े हैं तो यह खबर आपको निराश कर सकती है। वित्त मंत्रालय ने 500 और 1000 रुपए के बंद नोटों को जमा कराने के लिए एक और मौका देने की संभावना से इनकार किया है। सरकार अब कह रही है कि उसे उम्मीद थी कि बंद किए गए सारे नोट बैंकों में वापस आ जाएंगे, जो रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के अनुरूप है। रिजर्व बैंक की जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कुल 15.44 लाख करोड़ रुपए के पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों में 99% नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। इस बीच कुछ लोगों ने सरकार से उनके पास बचे रह गए 500 और 1000 के सीमित संख्या में नोटों को जमा कराने के लिए एक और अवसर देने की मांग की है। आर्थिक मामलों के सचिव इसी गर्ग ने कहा, फिलहाल इसकी कोई संभावना नहीं है। उनसे पूछा गया था कि क्या लोगों को अपने पास बचे रह गए बंद नोटों को जमा कराने का दूसरा अवसर मिलेगा। रिजर्व बैंक के बयान के बाद मंत्रालय ने कहा था कि सरकार को उम्मीद थी कि सारे बंद नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ जाएंगे। हालांकि तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सरकार को उम्मीद है कि बंद नोटों में से सिर्फ 10 से 11 लाख करोड़ रुपए के नोट बैंकिंग प्रणाली में लौटेंगे।